कांग्रेस के घोषणा पत्र पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि क्या आप सभी को लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 36 वादे किए और उन्हें 5 साल तक सरकार चलाने का मौका मिला, क्या उन्होंने उनमें से किसी वादे को भी पूरा किया? कांग्रेस ने लोगों का विश्वास पूरी तरह से खो दिया है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। देखिए क्या है, आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्यों बोलते हैं ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब वो कुछ भी कर ले, 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में, 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रूपये साल का देने की बात किए, उसके बाद ये लोग तत्काल 15,000 देने की बात किए, लेकिन कोई विश्वास किया? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास मतलब विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, चाहे 1,00,000 देने की बात बोलें, फार्म भरा लें, कुछ भी कर लें। अब बताइए, अब 1,00,000 का फार्म भरवा रहे हैं महिलाओं को, अब कहां से पैसा देंगे? छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार आनी नहीं है, 5 साल तो हम लोग हैं, केंद्र में उनकी सरकार बननी नहीं है, तो फार्म भरा देंगे तो 1,00,000 रुपये लाएंगे कहां से? तो ये धोखा देने वाली पार्टी है। और जैसे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, एक ही बार चढ़ती है, तो ऐसे अब कांग्रेस की भी वही हालत है, ये डूबता हुआ जहाज है, बिखराव हो गया है, सब लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं।